सो हेलो एंड हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल गेम वाला के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको ऑटो रिक्शा के चीट कोड के बारे में और ऑटो रिक्शा के न्यू अपडेट के बारे में। इसके अलावा बताने वाला हूं कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का अपडेट कब तक आएगा और अगर अपडेट आ चुका है तो आप लोगों को कब तक मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर ऑटो रिक्शा को चलाना तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं किसी भी वक्त ऑटो रिक्शा का चीट कोड बता सकता हूँ। सो इस वजह से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर मैं ऑटो रिक्शा के चीट कोड बताने से पहले इसमें एक ग्लिच ट्राई करने वाला हूँ, जो कि सब्सक्राइबर ने कॉमेंट किया था कि भाई, अगर आप पटरी को ट्रेन से उतार देते हो तो आपका चैलेंज पूरा हो जाएगा। सो मैंने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पटरी से आज मैं ट्रेन को उतारने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ऑटो रिक्शा के चीट कोड के बारे में और ऑटो रिक्शा के न्यू अपडेट के बारे में और साथ ही साथ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के न्यू अपडेट के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप लोग इतनी देर से देख रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब किया और ना लाइक किया, तो कर दो यार, क्योंकि बिना कहे तो आप लोग करोगे नहीं। और यहाँ पर जैसे मैंने फायर किया, बाइक की वजह से गोली मुझे रिवर्स कर गई और मैं खुद ही गिर पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। और इस बार ट्राई में आप देख सकते हो ट्रेन की पटरी पूरी तरीके से ट्रेन की पटरी से बाहर हो चुकी है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन मैं ऐसे नहीं, इसे हम चला कर देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ये ग्लिच वर्क करती है कि केवल ट्रेन की पटरी से उतरती है। अगर चल जाएगी ट्रेन तो समझ लेना मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ। सो यहां पर मैं इंजन को ऑन करके फॉरवर्ड कर देता हूँ और यहाँ पर ट्रेन चलने लगी है, वो भी ट्रेन की पटरी पर नहीं भाई, बाहर चल रही है। क्या मस्त लग रहा है। लेकिन इसमें एक ग्लिच और है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप लोग 90-90 डायल करके आसानी से थार ले सकते हो और साथ ही साथ इसे आसानी से ड्राइव भी कर सकते हो और इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो हम इसका पीछा जब तक करते हैं, आप लोगों को बता दें कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के न्यू अपडेट में अगर आप लोग इस ग्लिच को अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो ट्राई कर सकते हैं। ये ग्लिच 100% वर्क करती है और काफ़ी मस्त ग्लिच है, जिसमें आप ट्रेन को गायब भी कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अभी कुछ ही देर में ये ट्रेन गायब भी हो जाएगी, जो अगर इस ग्लिच को आप अप्लाई करते हो तो आपके ट्रेन आसानी से गायब हो जाएगी, जिसके बाद आपको अगर ट्रेन लेना होगा तो फिर से आपको गेम चालू करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर ऑटो रिक्शा के चीट कोड के बारे में। सो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर ऑटो रिक्शा को जल्द से जल्द ऐड कराना तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और बात रही इसकी फ़ोटो की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ऑटो रिक्शा आता है तो इस तरीके से आपका मॉडल होगा और ट्रेन देख सकते हो आप हवा में उड़ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।